नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि मार्केट में जितना पहले म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिया, क्या आगे मिलने वाला है। मेरा मानना है कि आगे जितना पहले रिटर्न दिया उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्यों, रीज़न इसके पीछे लॉजिक क्या है। पहले जितना भी रिटर्न आपने देख लिया है 15, 16, 17, 18, उससे ज़्यादा मुझे नज़र आता है। क्यों, क्योंकि करोड़ों लोग जो है ना मोगेम्बो को जाग के देख रहे हैं। आप कहेंगे कि जाग के, मैं तो जगा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ, देखिए आँख खुला हुआ है, जाग के ही देख रहा हूँ। ये जागना नहीं, जागने का मतलब समझिए क्या। मेरा बेटा एक दिन बोलता है कि पेप्सी का एडवर्टाइज देख रहा है, कोहली पेप्सी पीने के लिए बोल रहे हैं, वो पेप्सी पी रहे हैं। तो बेटा मेरा बोलता है कि पापा हो ही नहीं सकता है कि इतना अच्छा फिटनेस है। मेरा बेटा अभी टेबल टेनिस खेलता है, फिटनेस पे ध्यान देता है, जंक फूड वगैरह कम खाने का कोशिश करता है, खाता वो भी है, कोशिश करता है। तो बड़े सेलिब्रिटीज को देख के कि वो पेप्सी पीने के लिए बोल रहे हैं, तो कहते हैं हो ही नहीं सकता है कि इतना अच्छा फिटनेस वाला खिलाड़ी पेप्सी पीता हो, जंक फूड खाता हो। इसको बोलते हैं जाग के देखना। अपने फैंस को वो गलत दिशा में जाने को बोल रहे हैं, जबकि खुद इतना अच्छा फिटनेस रखने वाला व्यक्ति कभी भी जंक फूड में जा नहीं सकता है। तो ये जो देखने का तरीका है ना, इसको बोलते हैं जाग के देखना। यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं मोबाइल रिंगटोन में, पहले इसके पहले देखते हैं जो भी इवेंट हुआ है, कौन कौन सा फर्जी इवेंट है। यहाँ पे देखिए फर्जी इवेंट का नाम, फर्जी इवेंट, वीडियो गेम चला मोबाइल पे, टीवी पे, रिंगटोन में, फर्जी इवेंट, फर्जी इवेंट। ये फर्जी था, ये तो जानबूझ के लगाया, और लगाने का नतीजा देख रहे हैं, धड़ाधड़ लोग गिरना शुरू हुआ है। और एक फर्जी और है यहाँ पे, यहाँ पे फर्जी देखेंगे तो ये अटैक, फर्जी अटैक, एज पर प्लान अटैक। तो इस तरह का चीज अब जब निकल के आ रहा है, तो बड़ा गिरावट जो है ना, बड़ा गिरावट में क्या हुआ म्यूचुअल फंड को, यहां देखते हैं। जब बड़ा गिरावट हुआ, यहां पे देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप, बड़े गिरावट जहां 15 से 20% का गिरावट आया हो, 18% का गिरावट कब, एसबीआई स्मॉल कैप में 2011 में। फिर देखते हैं 15% का गिरावट किया 2013 में, ये सिर्फ स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप का बात है। -33% का गिरावट किया भूतकाल में 2020 में, ये भूतकाल में बोलता हूँ इसको। पहला वेब, दूसरा वेब, तीसरा वेब तो आप सबको समझ में आ गया, टेलीविजन ला ही नहीं पाया, सब लोग समझ गया था, भंडा फोड़ हो गया। तो इस केस के बाद हर चीज अब जो भी हो रहा है उसको लोग जाग के देख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाल फिलहाल में जो एक दो महीने से न्यूज चल रहा है कि इजराइल ने गाजा पे कब्जा कर लिया, जबकि सत्य इसका उल्टा है। ये मोगेम्बो है, चुपके से बता रहा हूँ, तो इस पे कब्जा कर लिया, सत्य इसका उल्टा है। वर्ल्ड में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है हर जगह पे, टीवी मीडिया रिंगटोन बोल रहा है कि इस पे कब्जा हो चुका है, जबकि सच अगर देखना है तो एक चैनल है मेरा सफ़र, यहाँ पे जाएंगे तो ये सारे जो है ना आपको डिसीजन लेने में सहायता करेगा कि फर्दर करना क्या है। मैं तो अच्छा खासा फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सत्य को दिखा पा रहे हैं। आप ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, सब जगह 99% वीडियो में आपको प्रोपेगेंडा मिलेगा, और उसको रीच भी ज़्यादा होगा, ऐसे चैनल का रीच भी कम होगा। अभी अगर साइबर अटैक करके सब कुछ बंद हुआ जाता, अगर बिजली, इंटरनेट सब कुछ, तो इस टाइप का चैनल, हमारे जैसे चैनल, रवीश कुमार टाइप चैनल, वो सब बंद हो जाता। और उसके बाद जब फिर से इशू होता एक दो महीने के बाद, तो लाइसेंस मिलता सबको कि आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल नहीं हो, आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल नहीं हो। उनके पास सारा डाटा है, कौन हमारे साथ है, कौन अंधे की तरह चल रहा है, और कौन जाग के देख रहा है। जितना जागने वाला है सबको बंद कर दिया जाता अगर ऐसा होता तो। अभी देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इस चैनल को अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सच नज़र आएगा कि आगे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे एक डाटा और दिखाता हूँ कि ये जो बड़ा गिरावट है रेड और ब्राउन में जो है, -52%, -24%, जो बड़ा गिरावट है 15-20% से ऊपर का गिरावट, ये गिरावट आप कम देखेंगे फ्यूचर में। यहाँ पे देखते हैं अगर ईयर वाइज है, -20% का रिटर्न कब, 2000 में, फिर -17%, -52%, -52% 2008 वाला हो सकता है, 2008 में। ये जो बड़ा गिरावट है ना, मुझे लगता है फ्यूचर में कम देखने को मिलेगा। अगर ये बड़ा गिरावट कम हुआ तो वो पैसा सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मैं तो काफ़ी बुलिश हूँ मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कि बड़ा गिरावट होने से रहा। कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात करते हैं।
कमेंट्स में यहाँ पे पूछा गया है, राजू सर टैक्स वाले फंड में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा? मान लेते हैं कि आप बरेली में, तो मिस बरेली जो होगी ना उनके साथ 2-3 दिन के लिए सिप पे आपको जाने का मौका मिलेगा, टैक्स वाले फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, टैक्स वाले फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा एटीसी के अंदर, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे टैक्स से रिबेट मिलेगा, 10%, 20%, 30% के स्लैब में है तो वो आपको रिबेट मिलेगा, बस इतना ही फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, मैच्योरिटी पे हमें 21 लाख रुपया मिल रहा है, वेयर टू इन्वेस्ट, एज 39 है। अगर आपको पीपीएफ से पैसा मिला है और इतना ही पैसा है और सेफ रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, सब चीज़ से निश्चिंत हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो फिर मैं बोलूँगा मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए, बराबर बराबर 5-5 लाख रुपया करके, वो ज़्यादा अच्छा है। पहले से म्यूचुअल फंड में नहीं घुसे हैं, पहली बार लगाना चाह रहे हैं तो 5-5 लाख रुपया करके 4 मल्टी कैप में लगा दीजिए और फर्दर पीपीएफ कम करके मिनिमम पीपीएफ में जाने दीजिए जो जाता है, और फर्दर पीपीएफ में सब्सक्रिप्शन कम करके आप स्मॉल कैप में जाने दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आखिर राजू भाई मान ही गए कि फिजिकल एसेट अच्छा है म्यूचुअल फंड के तुलना में, आज कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा बदलाहट नहीं आया है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक बार बुद्ध जी रास्ते से गुजर रहे थे, उनके साथ आनंद उनका शिष्य भी था। एक व्यक्ति ने आके पूछा रास्ते में, भगवान है? तो बुद्ध जी ने बोला हाँ है, चले गए। दूसरा व्यक्ति आया कुछ दूर पे, बोलते भगवान नहीं है? तो बुद्ध जी ने बोला हाँ भगवान नहीं है, वो भी चले गए। फिर तीसरे मोड़ पे कोई मिले तो बोलते भगवान है भी और मुझे लगता है भगवान नहीं भी है। तो बुद्ध जी बोले सच कर रहे हो, भगवान है भी और नहीं भी है। अब थोड़े दूर के चलने के बाद आनंद कन्फ्यूज हो गया शिष्य। आनंद पूछते हैं ये आपने कैसा आंसर दिया, एक ही क्वेश्चन का 3 अलग अलग जवाब? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें तो जवाब नहीं दिया ना, तुम किस लिए पूछ रहे हो? वो तीनों अलग अलग व्यक्ति था, एक जो भगवान के पास जा चुका था उसी में लीन था, तो उन्होंने पूछा, थोड़ा सा डाउट था, भगवान है? तो बोलते हाँ है, वो और आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा व्यक्ति बोलते भगवान नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है, तो वो मेरे पे विश्वास करेंगे, हमारे साथ चलने को शुरू करेंगे, सोचेंगे कि हमारे जैसा व्यक्ति है, ये भी भगवान को नहीं मानते हैं, हम भी नहीं मानते हैं, चलो इनके संसर्ग में बैठते हैं, जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तीसरा व्यक्ति बोलते हैं भगवान है भी और नहीं भी है, तो उनको भी मैंने उनके जैसा ही जवाब दिया, तो वो भी मेरे पीछे पीछे हो सकता है आना शुरू कर दे और भगवान तक फिर उनको पहुंचाया जा सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जवाब हो सकता है और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जवाब हो सकता है, तो एक ही व्यक्ति को उस पर नहीं लेना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताओ मिड कैप लूँ या मिड कैप इंडेक्स लूँ? मैं बोला था कुछ वीडियो में, अभी बोल रहा हूँ कि इंडेक्स फंड लीजिए, जो ले चुके हैं मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी बेहतरीन फंड, उसको चलने दीजिए, और फर्दर पैसा आएगा ना 1-2 हज़ार रुपया SIP का, तो मिड कैप इंडेक्स ले लीजिएगा। SBI स्मॉल कैप में चल रहा है, निपोन स्मॉल कैप में चल रहा है, HDFC स्मॉल कैप में चल रहा है, सबको बंद करके इंडेक्स फंड ले लूँ 250 इंडेक्स? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, जो चल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप चलने दीजिए, कुछ नया बोला हूँ तो फर्दर पैसा आएगा तो जोड़ते चले जाइएगा, ऐसा नहीं कि सब बंद बंद करके एक जगह पर आ जाना है। राजू भाई क्या SBI कॉन्ट्रा फंड सही है? बिल्कुल सही है, बहुत बेहतरीन फंड है। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं SBI कॉन्ट्रा में, तो मैं कहूँगा SBI कॉन्ट्रा और SBI स्मॉल कैप में बराबर बराबर कर दीजिए, पहले से चल रहा है काफ़ी सारा फंड है तो SBI कॉन्ट्रा फंड अच्छा फंड है, काफ़ी पुराना फंड है, इसमें जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, क्वांट में 10,000 रुपये का SIP करना चाहता हूँ, कर दूँ? अगर सिर्फ 10,000 रुपये ही करना है तो एक ही फंड में कभी नहीं बोलता हूँ मैं करने, कभी नहीं करना चाहिए। 2-2 हज़ार का 5 फंड, निपोन इंडिया स्मॉल कैप 2,000, SBI स्मॉल कैप में 2,000, क्वांट स्मॉल कैप में 2,000, DSP स्मॉल कैप में 2,000, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000, इस तरह से करके HDFC स्मॉल कैप में भरता रहेगा तो 2,000, एक SBI 250 इंडेक्स फंड भी लेके रखिए। एक ही फंड में कभी भी भरोसा नहीं करना है, सब ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे starsap.in में स्मॉल कैप कैटेगरी 6 नंबर को सेलेक्ट किया है, पिछले 13 साल में 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ का SIP किया, तो कौन से फंड ने कितना किया है? 3,12,000 यहाँ भी जमा हुआ है, 3,12,000 यहाँ भी जमा हुआ है पिछले 13 साल में। एक ने बनाया 19,68,000, एक ने बनाया 17 लाख, एक ने बनाया 15 लाख, एक ने बनाया 14 लाख, इस तरह से एवरेज करके आपको रिटर्न मिलेगा। एवरेज का अगर बात करें तो कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, 15-20%। यहाँ पे एवरेज रिटर्न पिछले 13 साल में 21.15% का रिटर्न मिला है। कोई चार्ज चोर्ज जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है, एडवाइजर को जो मिलना है, सब कुछ काट कूट के ये दिखाया जा रहा है, इसमें से कुछ नहीं कटेगा।
तो इस तरह से करके आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस किस फंड में SIP करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका काफ़ी दिन से वीडियो देख रहे हैं और हमने सारे म्यूचुअल फंड को शिफ्ट कर दिया मिड कैप स्मॉल कैप में, और जब से किया हूँ 40-50% का रिटर्न दिख रहा है और बीच बीच में टॉपअप भी करते रहते हैं, 2-3% गिरता है, तो एक्सपेक्टेड CAGR 15-18% है 25 साल के लिए, इतना रिटर्न तो आपको, इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आज का टॉपिक भी यही है, पीछे ज़्यादा रिटर्न मिले था या आगे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, आगे ज़्यादा रिटर्न मिलने का संभावना है क्योंकि मोगेम्बो कोई चाल चल ही नहीं पा रहा है, चाल चलने के पहले सब लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं। तो काफ़ी सारा अच्छा फंड है, यहाँ पे देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, महिंद्रा स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप, निपॉन मिड कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, इस फंड को चेंज करके आप SBI 250 इंडेक्स फंड में कर दीजिए क्योंकि आपका ड्यूरेशन 20-25 साल का है, तो इस फंड को चेंज करके आप उसमें कर दीजिए, बाकी सारा फंड आपका अच्छा है, कंटिन्यू कीजिए। एक जो है नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए मैं बताता हूं कि आपके पास मात्र 10,000 रुपये पर मंथ है, अभी पैसा कहीं और जा रहा है अदर देन म्यूचुअल फंड, कहीं भी जा रहा होगा, इंश्योरेंस में, ट्रेडिशनल प्लान में, यूलिप में, कहीं भी चिट फंड में, कहीं भी, वहां से चेंज करके आप म्यूचुअल फंड में आना शुरू कर दीजिए। शुरुआत करने के लिए पहले क्या करना है, पहले आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे StarSIP.in के कैलकुलेटर पे गए SIP में, 10,000 रुपये पर मंथ आने वाले 20 साल तक जमा करेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड छोड़ के कहीं भी गए तो आपको 6-7% से रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, जमा आपका 24 लाख होगा और पैसा बनेगा 46,43,000। यदि म्यूचुअल फंड के में एवरेज आपको 12% रिटर्न मिलता है तो 24 लाख का वैल्यू 99 लाख तक हो सकता है, और मिड कैप स्मॉल कैप 15-16% रिटर्न दे दे तो ये पैसा 1,51,00,000 तक हो सकता है 24 लाख का। खुद से कैलकुलेट करना है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। म्यूचुअल फंड में संभावना है कि 15-20% तक रिटर्न आप पा सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, कोई गारंटी नहीं है, गारंटी कहीं भी नहीं है, कभी सुकन्या योजना, कभी PPF 12% रिटर्न दिया करता था, आज 7-8% के बीच है, तो गारंटी तो कहीं भी नहीं है। इसी तरह से फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे चलता रहता है, जब सब कुछ ऊपर नीचे वाला ही है तो क्यों नहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ज़्यादा जहाँ पे रिटर्न मिलने का संभावना है वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आप मिनिमम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, जब कुछ भी नहीं पता हो तो मिनिमम 100 रुपये से बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन करूँगा फ्रॉड हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, होता भी है, इसलिए बोलता हूँ 100 रुपया कीजिए, 6 महीने में कितना जाएगा 600 रुपया, जब सब कुछ पता चल जाएगा कि नहीं फ्रॉड नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो जाके आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इससे भी ज़्यादा और सेफ तरीका बताऊँ, SBI के ब्रांच में जाइए, SBI स्मॉल कैप 2,000 रुपये पर मंथ शुरू कर दीजिए, फिर धीरे धीरे करके दूसरे म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफाइड करके लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच।